जिला सिरमौर में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार सुबह सिरमौर में कुल 2851 एक्टिव केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते कल लिए गए 1060 सैंपल में से 298 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं जिला सिरमौर में रिकवरी की बात की जाए तो 263 लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग फतेह की है, जबकि 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा उचित वक्त पर सही निर्णय लेते हुए 7 मई से 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, तो वहीं इस कर्फ्यू को लेकर तथा कोरोना लहर को तोड़ने में जिला सिरमौर के पुलिस जवान महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि करीब 5,89,000 की आबादी वाले जिला सिरमौर का जिम्मा केवल 750 पुलिस कर्मियों के हाथ में है। कोरोना कर्फ्यू को प्रभावी बनाने और जिला की सभी सीमाओं को सील करते हुए करीब 17 नाकों पर 150 पुलिस व होमगार्ड के जवान डिप्लॉयड किए गए हैं। चिंता का विषय तो ये भी है कि राउंड द क्लॉक ड्यूटी देने वाले करीब 76 पुलिस व होमगार्ड के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि सभी पॉजिटिव होम आइसोलेट हैं। बावजूद इसके सुबह आमजन की सुरक्षा की प्रार्थना भगवान के समक्ष करने के बाद मानसिक तनाव कम करते हुए सिरमौर पुलिस बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रही है। जिला सिरमौर में जो सिरमौर पुलिस है वो दिन रात जो है अपना काम कर रही है। हमारे 17 नाके हैं, वहाँ पे पुलिस डिप्लॉयड है। जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग करके, उनकी एंट्री करके करवा के ही उनको अंदर आने दिया जा रहा है एज पर कोविड ई पास सिस्टम जी और परमिशन। और जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको उनके आई कार्ड की बेस पे अलाउ किया जा रहा है जी। लगभग हमने 4,000 से ज्यादा फाइन कर दी है अभी तक नॉट वेयरिंग दी मास्क। ओके जी। और हमने लगभग 4 जो है चालान शादियों भी किए हुए हैं अलग अलग जगहों में। कितने गए सर? 4 अलग अलग जगह में, पौंटा में है, गुजरात उत्तर अपना एरिया में, अपना राज क्या कहते हैं इसको, 57 एरिया में जी। और एक दो जगह जो है वो इसके चार भी किए हैं फॉर नॉट यूजिंग दी नॉट अवॉइडिंग बाय द यू नो डायरेक्शंस रिगार्डिंग कर्फ्यू जी। दुकान किसने खुली रखी है, एक चार अंकल पॉन्टा एरिया में भी किया है जी। तो इसके अलावा पहले तो हम सभी लोगों को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं जी। एक साल से ये स्थिति बनी हुई है तो लोग जागरूक काफी हो चुके हैं पहले भी जी, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मानते तो उनके खिलाफ पुलिस और सख्ती से कार्रवाई करने वाली है जी। तो क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है जी, किसी को तंग करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो कोरोना का जो ये साइकिल चल रहा है इंफेक्शन, इसको कम कैसे किया जाए, इसको तोड़ा कैसे किया जाए, उसको उसके लिए जो जरूरी है जी। वो जरूरी कदम पुलिस, जिला पुलिस उठा रही है। सर रात को नाकों की स्थिति क्या रहती है? सर नाके हमारे राउंड द क्लॉक है, समय समय पर हमारे जो जो थाना अधिकारी हैं, जो पर्यवेक्षण अधिकारी हैं, SDPO, DSP रैंक ऑफिसर्स जी, और हम मैं भी स्वयं भी हम जाते रहते हैं चेकिंग करने के लिए। राइट सर। पिछले कल भी हमने नाके बैराल और पौंटा का मैंने एरिया चेक किया जी। आई फाउंड द वर्किंग सेक्रेटरी जी। तो हमने अपने जवानों को भी ये डायरेक्शन दी है कि वो भी अपने आप को सेफ रखें जी, डबल मास्क का प्रयोग करें, जहाँ तक हो सके फेस शील्ड का प्रयोग करें, जब ज्यादा लोग आते हैं सामने ठीक है। और क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है अभी आज की डेट में भी सिरमौर पुलिस के 76 जवान जो है होमगार्ड और पुलिस के कोरोना पॉजिटिव हैं, जो अपना होम आइसोलेट हैं। ओके ओके। बहुत बड़ा नंबर है जिला सिरमौर पुलिस के लिए जो कि अपने घर में आइसोलेट रहने के पश्चात 2 हफ्ते के पश्चात ही ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे। राइट। तो उससे हमें तो कठिनाई तो आ ही रही है जी। तो पुलिस बल की संख्या कम होती जा रही है इस वजह से जी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नहीं नहीं सभी व्यक्ति जो समुदाय के व्यक्ति हैं, गांव के हैं, प्रधान हैं, मेंबर्स हैं, इसमें जिला सिरमौर पुलिस के ऊपर सभी जो लोग हैं और वो पुलिस अधिकारी हैं, बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला हुआ है। इसको लेकर मैं उम्मीद करता हूँ कि और बैरियर्स पे आपके जवान लगे हैं तो उनको मानसिक रूप से किस तरीके से आप अपने लिए सारी स्थिति को करेगा और कोरोना की लहर को तोड़ने में अपना योगदान देगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी।